हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अमूल लाइव। माय नेम इज विहांग त्रिवेदी एंड आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। आप सबका अमूल के लाइव में मोस्टली वेलकम करता हूँ। वेलकम टू अवर अमूल लाइव पेज। आज की हमारी एक सिंपल इवनिंग रेसिपी है जो हम लोग डिनर में यूज कर सकते हैं, दम आलू, पंजाबी दम आलू। वैसे तो दम आलू हम लोग बहुत तरीके से ट्राई करते हैं, कोई रेसिपी परफेक्ट फॉलो करते हैं, बट दम आलू की कोई भी रेसिपी नहीं होती, वो सब अपने आप से हर कोई इंसान अपने आप से प्रिपेयर करता है। वो एकदम यूनिक रेसिपी है कि हम लोग क्विकली बना लेंगे, ना कोई दो ग्रेवी करने की है, ना एक ही ग्रेवी में, एक ही पेस्ट में दम आलू की ग्रेवी रेडी हो जाएगी, एंड जस्ट हमें उसे मिक्स करके रेडी कर रहा है। तो आज की हमारी एक सिंपल होममेड रेसिपी है पंजाबी दम आलू। तो आइए हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने पोटैटो लिया है, जिसको मैंने टू विसल करके बॉईल कर लिया था। ये मैंने बेबी पोटैटो लिया है, जिसे मैंने दो विसल किया था एंड उसे बॉईल करके फिर फ्राई करके रखा है। ये फ्राई होने के बाद आपको कंपलसरी इसे 2 to 3 hours के लिए ठंडा होने देना है। बिल्कुल ये ठंडा हो जाना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये अगर हीट रहेगा, डायरेक्ट हीट में जाएगा तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, इसका कोई भी वो नहीं होगा। इसके लिए मैंने इसे फ्राई करके रखा है। इसको फ्राई करते टाइम फोक से इसके अंदर होल कर देना है सारी जगह पे, ताकि इसके अंदर अच्छे से कुक हो जाए। और इसे दो विसल के लिए ही कुक करना है, ज्यादा विसल नहीं करनी है, दो विसल में ही कुक हो जाएगा। देन उसको फ्राई करना है। आपको डीप फ्राई ना करना हो तो सैलो फ्राई भी आप कर सकते हो। यहाँ पे टमाटर लिया है हमने, टमाटो लिया है, ये मैंने 3 टमाटो लिया था मीडियम साइज का। अगर आप छोटे हो तो 4 लेना, अगर बड़े हो तो आप लोग 2 से काम चला सकते हो। यहाँ पे मैंने सेम 3 मीडियम साइज के अनियन लिया है, आप इसमें भी आगे पीछे कर सकते हो, छोटे हो तो 4, बड़े हो तो 2 यूज कर सकते हो। ये ग्रीन चिली, एक तीखी वाली है, 2 हमारी जो नॉर्मल आती है वो। ये लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, ये आप पानी में कश्मीरी लाल मिर्ची भिगो के फिर उसके अंदर लहसुन क्रश करके फिर थोड़ा सा ऑयल में उसे सौते करके ये पेस्ट रेडी की है। यहाँ पे कोथमीर, यहाँ पे धनिया, मतलब यहाँ पे अदरक है, ये भी मैंने कट करके रखा है। ये जो कड़ी पत्ता आता है वो है। ये मसाला है, इसे मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया है, जो लहसुन की सूखी चटनी आती है लहसुन की सूखी चटनी, आमचूर पाउडर एंड चाट मसाला वो ऐड किया है। यहाँ पे काजू एंड मगज तरी है, यहाँ पे रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कसूरी मेथी, यहाँ पे पंजाबी मसाला, काजू, ग्रीन गार्लिक, यहाँ पे खड़े मसाले में एक तेज पत्ता, यहाँ पे एक लाल मिर्ची, जीरा, सौंफ, तल, एक छोटी सी जो इसे हम लोग दालचीनी बोलते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा, जावंत्री, जावंत्री ऑप्शनल है बट इससे एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे अमूल का फ्रेश कर्ड लिया है। यहाँ पे हमने जो पटेटो फ्राई किया है वही ऑयल लेना है हमें, ताकि इसकी फ्लेवर एक अच्छी आए, क्योंकि हमने पटेटो को बॉईल करते टाइम इसके अंदर 1 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड किया था, बटर, रूम टेम्परेचर बटर 1 tablespoon एंड घी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है एंड अभी हम लोग पहले ग्रेवी की पेस्ट रेडी करेंगे। तो गैस ऑन कर लेते हैं और एक पैन रख लेंगे। पहले हम लोग ग्रेवी का बेस बना रहे तो वो प्रिपेयर करेंगे। जैसे पैन अच्छे से गर्म हो उसके अंदर हम लोग बटर ऐड करेंगे, देन उसके बाद घी ऐड करेंगे। 1 tablespoon जितना हम लोग बटर ऐड करेंगे। हर कोई रेसिपी में अगर हम लोग चीजें रूम टेम्परेचर पे यूज करें तो वो एकदम हमारा टेम्परेचर लेवल अच्छे से मेंटेन रखता है। 1 to 2 tablespoon जितना हमारा अमूल का प्योर घी लेंगे हम लोग, देन उसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे एंड पैन में अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो है एकदम अच्छे से हमारा घी गर्म हो जाए तो सारे मसाले का स्मेल अच्छे से हमारी सब्जी में आए। अभी उसके अंदर एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, फिर सौंफ, जो सौंफ, जीरा, तिल एंड दालचीनी एंड जावंत्री ऐड कर देंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे।
ताकि सारे मसालों की एक अच्छी सी स्मेल हमारे अंदर, जो हमारी ग्रेवी है उसके अंदर आ जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे ही जो हमारे मसालों की फ्लेवर आएगी। अच्छे से गर्म हो जाए तब हम लोग मिर्ची एंड अदरक डाल देंगे। ये मेरी मीडियम मिर्च है तो मैंने 2 से 3 यूज की है। आपकी अगर तीखी वाली हो तो आप थोड़ी सी कम यूज कर सकते हो। इसे अच्छे से सौते करके फिर जिंजर ऐड कर देंगे। ये अच्छे से सौते हो जाए तब हम लोग इसके अंदर ग्रीन गार्लिक 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अभी सीजन है तो हम लोग ग्रीन गार्लिक भी यूज कर रहे हैं, ऑफ सीजन हो तो हम लोग नॉर्मल वाला गार्लिक यूज कर सकते हैं। अभी ये सौते हो चुका है, अभी हमारी जो लहसुन वाली चटनी है वो ऐड कर देंगे। ये ग्रेवी के टाइम ही ऐड करें तभी इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। अभी ये जैसे ही सौते हो तुरंत हम लोग इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनियन 1-2 मिनट में कुक हो जाएगी तब हम लोग इसके अंदर टमेटोज ऐड कर देंगे। इससे हमें सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए टॉसिंग कर रहे हैं, वरना हम लोग डायरेक्ट भी ग्रेवी कर सकते हैं। अनियन 10% भी कुक होगी तो ये ऐसे जो है सेपरेट हो जाएगी। ये अभी जो है हो चुका है, अभी हम लोग इसके अंदर टमेटोज ऐड कर देंगे। टमेटोज हमें बिल्कुल पल्पी टमेटोज आते हैं वो यूज करने हैं एंड अनियन जितने सेम प्रपोर्शन में लेना है टमेटो को हमें। देन इसे हमें अच्छे से सॉटेड कर लेना है। एंड इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है। फिर 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ना है। देन इसके बाद इसे ठंडा करके क्रश कर लेंगे। तब तक हम लोग जो है एक ग्रेवी ऐड करने से पहले मसाला एक प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए जो ये गार्लिक वाली जो हमारी चटनी है वो लेंगे 1 टेबलस्पून, घी लेंगे 1 टेबलस्पून, बटर ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करके इसके अंदर हम लोग ग्रीन गार्लिक ऐड कर देंगे। थोड़े मिंट लीव्स एंड कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। एंड इसे मिक्स करके हमें जो एक इसे क्रीमी बनाने के लिए हम लोग कर्ड यूज करने वाले हैं उसके अंदर हम इसे मिक्स करके रख लेंगे ताकि एकदम हमारी क्रीमी पेस्ट रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी एंड एकदम डिलीशियस आएगा। ये कर्ड हमें नॉर्मल खट्टा लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं एंड बहुत जो हमारा नॉर्मल बिल्कुल एक फ्लेवरफुल कर्ड की स्मेल है वो इसके अंदर आ जाएगी। बस तो यही स्टेप है हमें करने के लिए। ये एक पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। देन ये अभी हम लोग ग्रेवी भी चेक कर लेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। हमारे टमेटोज एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे एंड इसे हमें 2 मिनट के लिए ही जस्ट। एंड ये हमारी जो रेड चिली है
वो हम लोग निकाल लेंगे ये तमालपत्र, क्योंकि अभी इसकी जो फ्लेवर है वो आ चुकी है, तो ये हम लोग इसे रिमूव कर लेंगे क्योंकि इसकी फ्लेवर जो है आ चुकी है इसकी वजह से। अगर आपको रिमूव ना करना हो और रखना हो तो भी आप रख सकते हो, बस अभी इसे 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाए तब हम लोग ग्रेवी में इसे क्रश कर लेंगे। अभी हमने अभी अभी गैस ऑफ किया है तो ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसे हम लोग आप चाहे तो एक बाउल में भी निकाल सकते हो। या आप लोग मिक्सर जार में भी रख सकते हो क्योंकि इसमें भी ठंडा हो जाएगा, तो हम लोग इसे डायरेक्ट मिक्सर जार में ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एंड तब तक के लिए हम लोग जो है काजू को हम लोग सौते करके इस पेस्ट में डालेंगे, तो वो कर लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा मेल्टेड ऑयल एंड घी यूज करेंगे। ये जैसे ही गर्म हो हम लोग इसके अंदर काजू एंड खसखस एंड जो हमारी मगजतरी आती है वो हम लोग क्रश करेंगे। तब तक हमारा मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप चाहे तो इसे एक बाउल में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। क्योंकि ये जार में ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो इसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए एंड हमें क्रश करने में इजी रहे। बस ये अभी हमारा ऑयल घी गर्म हो चुका है, अभी हम लोग इसके अंदर काजू ऐड कर देंगे एंड ये खसखस एंड मगजतरी ऐसे छिटक जाए तब तक हमें इसे सौते करना है। देन हमें जो है इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे काजू एंड इसकी एक फ्लेवर बहुत ही अलग आती है एंड थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से एंड फटफट हम जो है ग्रेवी इसे अच्छे से क्रश कर सके। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं, थोड़ी क्रंचीनेस ग्रेवी में रखनी हो तो। अभी 2 बैचेस में हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस ग्रेवी को हम लोग पैन में निकाल लेंगे और दूसरी ग्रेवी इसे हमें बहुत ही बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है ताकि इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आए एंड दूसरा बैच हम लोग ग्राइंड कर लेंगे।
और अभी हमारा दूसरा बैच भी जो है ग्राइंड हो चुका है। अभी हम लोग गैस ऑन करके ग्रेवी कुक होने के लिए रख देंगे। अभी हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम लोग एक बार इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। देन उसे क्रीमी बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर हमारे कर्ड की पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे कलर भी एकदम लाइट होगा, बट हम लोग जो लास्ट तड़का करेंगे उसमें उसका कलर अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। कर्ड ऐड करने से या दही ऐड करने से इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, बट हम लोग जो लास्ट तड़का ऐड करेंगे उससे इसका कलर एकदम रेड आ जाएगा। आप कर्ड ऐड करें या आप लोग इसे और क्रीमी करने के लिए कर्ड के साथ एक चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हो। अभी ये थोड़ी सी और पक जाए तब हम लोग इसके अंदर मसाले करेंगे। अभी हम लोग जैसे ही इसे छोड़ते हैं तो ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम लोग मसाले करेंगे तो इसके अंदर मसाले सारे कुक हो जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले जो मैंने गार्लिक का पाउडर बोला था वो ऐड किया, अभी गरम मसाला ऐड करेंगे हम लोग, फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये भी एकदम मेन है क्योंकि इससे ही इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी, तो ये कसूरी मेथी हम अच्छे से ऐड करेंगे। इसका रेशियो आप लोग, मैंने एक चम्मच एक डेढ़ चम्मच यूज किया है, आप लोग ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर मैंने आमचूर ऐड किया है, तो हमें लेमन या कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आमचूर की फ्लेवर कर्ड के साथ बहुत अच्छी आती है। इसे हम लोग कुक कर लेंगे मिक्स करके, फिर अभी हम लोग इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप लोग टेस्ट अनुसार ऐड कर सकते हो, मैं अभी यहाँ पे अंदाजे से ऐड कर रहा हूँ। अभी हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे, बाकी का गार्निशिंग के लिए रहने देंगे। बस अभी हम लोग इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके कुक होने के लिए रख देंगे एंड तब तक हमारे तड़के की प्रिपरेशन कर लेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच जितना पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सेम रहे। देन हम लोग से ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए, गैस की मीडियम टू हाई पे रखेंगे। फिर से हम लोग तड़का पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऑयल एंड मेल्टेड घी 2 से 3 चम्मच जितना, एंड ये गरम हो उसके अंदर हम लोग कश्मीरी रेड चिली एंड थोड़ा सा गार्लिक ऐड करके फिर ग्रेवी के अंदर हम लोग छोड़ देंगे ताकि इससे कलर एकदम टेस्टी आ जाएगा एंड फ्लेवर भी बिल्कुल स्मोकी आ जाएगी। तेल गरम हो अच्छे से,
तब हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। एंड गार्लिक ऐड करके अच्छे से सौते करेंगे। एंड इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके अच्छे से उसे मिक्स करके हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ करके तुरंत ही इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि इसकी एकदम अच्छे से कलर भी आ जाएगा एंड फ्लेवर भी बहुत अच्छी आएगी। अभी इसे हम लोग फुल गैस पे 2 मिनट 2 से 3 मिनट पकने देंगे। इसे एक बार मिक्स करके ढक के 2 मिनट के लिए फुल गैस पर इसे छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट पक जाए उसके बाद आलू ऐड करके फिर से हम लोग 1-2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि एकदम आलू भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम लोग आलू ऐड कर देंगे। 1-1 इंच के गैस पे हमें आलू ऐड करना है। एंड इसे अभी हमें बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। जस्ट उसे ग्रेवी में कोट कर देना है। इसकी स्मेल एंड फ्लेवर बहुत ही अच्छी आ रही है। एंड हमने जो भी मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से फ्लेवर दे रहे हैं। एंड टेस्ट में भी ये यम्मी है, यम्मी एंड डिलीशियस ही होगा, क्योंकि हमने जो है इतने सारे मसाले ऐड किए हैं तो सारे फ्लेवरफुल है, तो इसे अच्छी से एक फ्लेवर मिलेगी। अभी हम लोग इसे 1 से 2 मिनट पकने देंगे और फिर हम लोग सर्व करेंगे। तो रेडी हो जाएगा हमारा दम आलू। बस अभी हम लोग गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे लास्ट लास्ट में। अभी हम लोग एक बार इसे चेक कर लेंगे, ये अच्छे से आलू में मसाला कोट हो चुका है। तो अभी हम लोग गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे एंड उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एकदम क्रीमी बन के रेडी हुआ है ये। अब अभी अगर हमें और ग्रेवी थिक करनी हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। मुझे अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, तो 2 मिनट हम लोग फिर से कुक कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी ऊपर ये पानी आ रहा है, तो हम लोग 1 मिनट और पकने दे रख लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। अब हम लोग एक बार मिक्स करके देख लेंगे। अभी ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी भी थिक होगी, हम लोग गरम गरम सर्व कर लेंगे, तो सर्विंग बोल ले लेंगे। उसे गरम गरम ही हम लोग सर्व करेंगे। ये पराठा रोटी, आप लोग पराठा या रोटी या भाखरी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, क्योंकि हर एक के साथ ही अच्छा लगता है दम आलू की सब्जी। इसे हम लोग लच्छा पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत ही यूनिक टेस्ट देता है। एंड ग्रीन धनिया के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये रेडी है हमारी एकदम टेस्टी दम आलू की सब्जी। तो आप लोग इसे कोई भी मेन्यू में या डिनर में या कोई हाई टी वगैरह में, हम लोग अगर हाई टी में एक अच्छा मेन्यू रखना चाहते हैं, दम आलू पराठा जीरा राइस दाल फ्राई सब, तो मेन कोर्स में भी अच्छा जाएगा एंड कोई भी फंक्शन में भी ये बहुत ही अच्छा जाएगा दम आलू। तो आई होप आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू अमूल कि हम लोगों को ऐसा चांस देता है, हमारी यूनिक रेसिपी हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप भी हमारी रेसिपी लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू अमूल एंड दीपा मैम। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।